स्वच्छ भारत मिशन योजना को पलीता लगाने में कुड़वार ब्लॉक के ग्राम सभा मजना के प्रधान सीता यादव व सचिव लालचंद कोठार सबसे आगे। कागजों पर बने 536 में से 230 ही शौचालयों का हुआ निर्माण, बाकी शौचालयों का कूट रचित कागजों द्वारा ग्राम सचिव लालचंद कोठार व प्रधानपति सत्यनारायण यादव भुगतान कराकर सरकारी पैसों की कर रहे हैं बंदरबाड़। ग्रामवासी अभय सिंह, मनोज यादव, अनुराग मिश्र, राज बहादुर सिंह का कहना है कि ग्राम सचिव लालचंद कोठार अपने ऊपर लगे आरोपों को बचाने के लिए ग्राम सभा के कुछ सम्मानित लोगों पर हरिजन एक्ट लगवाने की धमकी दे रहे हैं। गुड आफ्टरनून, मैं एडवोकेट मुकेश यादव, ग्राम मजना से। 28 तारीख को जो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बने हुए शौचालय, 536 शौचालय में से 230 शौचालय ही मात्र बने हुए हैं, और इसकी पुष्टि जांच अधिकारी के सामने हमारे सचिव महोदय लालचंद कोठार जी नहीं कर पाए हैं। लालचंद कोठार जी विकास भवन में अपनी गलती, अपने भ्रष्टाचार के द्वारा किए गए कृत्यों को छुपाने के लिए फर्जी FIR गांव के कुछ सम्मानित लोगों को दर्ज कराने का प्रयास किया जा रहा है, जिसका ज्ञापन हमने जिलाधिकारी महोदय, पुलिस अधीक्षक जी को, हमारे जो पंचायत प्रतिनिधि हैं उनको, उनके साथ और कुछ सम्मानित लोगों के साथ अवेलेबल करा दिया गया है, और मांग की जा रही है कि इसकी निष्पक्ष जांच की जाए, और जो 536 लेटरिंग बनी, जिसका पैसा धन उगाही हुआ है विकास भवन से, उसकी रिकवरी की जाए। बस यही बात, और हरिजन एक्ट का जो मुकदमा है, जो उन्होंने गलत रूपरेखा प्रस्तुत की है विकास भवन में और जिलाधिकारी महोदय के सामने से, इसकी सघन जांच की जाए। सर, संबीत के साथ में मैं चाहता हूँ निष्पक्ष जांच हो जाए, और इसी सिलसिले में हम लोग माननीय जिलाधिकारी महोदय, माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से मुलाकात की, और हम लोगों के यही अनुरोध है प्रशासन से कि निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ये केवल राजनीतिक विद्वेष का मामला है और कुछ नहीं है, ये सारा मामला फर्जी है, भ्रष्टाचार का मामला है, और इसीलिए हम लोग आए हैं। धन्यवाद। आपके सुनना, हम भी उसी राज बहादुर सिंह, मजना ग्राम सभा का मैं भी निवासी हूँ। हम लोग जांच करने के लिए, हमारे यहाँ ग्राम प्रधान और सचिव महोदय दोनों लोग भ्रष्ट हैं। दोनों लोगों ने मिल करके, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो चाहे शौचालय हो, दोनों लोगों में इतनी बड़ी अनियमितता की गई है कि कागज कुछ बताता है, वास्तव में कुछ है। हम लोगों ने जब उसके जाँच के लिए एप्लीकेशन डाली और अधिकारी यहाँ से सुल्तानपुर से गए भी जांच करने के लिए, जांच करने के जो अधिकारी गए उसके बाद हमारे यहाँ सचिव महोदय गए, उनके बुलाने पर गए, और उनके उठने से पहले उठ करके चले गए। अब जांच को प्रभावित करने के लिए वो एक अपनी यूनियन के माध्यम से काटकंडा अपना रहे हैं कि हम जो है एक हरिजन एक्ट का मुकदमा इन लोगों के ऊपर दर्ज करा दें, जिससे ये पूरी तरह जाँच प्रभावित हो जाए और हम सब लोग इससे बच जाए। हम आज जिलाधिकारी महोदय से भी, अपने गांव सभा के लोगों के साथ में, अपने जिला पंचायत सदस्य के साथ में, जिलाधिकारी महोदय से और कप्तान साहब से मिलकर के आ रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि इसकी पूरी निष्पक्षता के साथ जांच होनी चाहिए, ताकि इस तरह से जो, अगर मान लीजिए कहीं भी भ्रष्टाचार का कोई मुद्दा उठाया जाता है, अगर उन लोगों के खिलाफ इसी तरह का मुकदमा दर्ज किया जाता रहा, तो लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ ही नहीं उठाएंगे। इस बात को दबाने के लिए ये पूरी तरह से इनकी यूनियन काम कर रही है, इसमें निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए, बस इतना मैं चाहता हूँ। मैं अभय कुमार सिंह, ग्राम मजना का निवासी हूँ। हमारे गांव में स्वच्छ भारत मिशन का एक भी शौचालय नहीं बनाया गया है। सचिव महोदय द्वारा 536 शौचालय की लिस्ट हमको दी गई, उसकी हमने शपथ पत्र जिलाधिकारी महोदय को दिया, जो टीम गठित करके जाँच कराने के लिए उन्होंने एक टीम गठित किया। 28 तारीख 2012 में जो है समय 11 बजे जांच की जो है समय निर्धारित किया गया। सचिव महोदय, उस ग्राम के प्रधान और शिकायतकर्ता मैं, और गांव के सभी सम्मानित व्यक्ति वहाँ उपस्थित हुए। जांचकर्ता जब सचिव महोदय से अभिलेख मांगे, तो उन्होंने कहा कि कोई अभिलेख मेरे पास नहीं है। सचिव महोदय ने कोई अभिलेख उस समय उपलब्ध नहीं करा पाए। जाँच शुरू हो गई, जाँच में जब फर्जीवाड़ा पाने आने लगा, तब जो है सचिव महोदय हरिजन एक्ट का जो है फायदा लेते हुए हम लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए प्रयास में लगे हुए हैं अपने यूनियन के साथ। 11 तारीख को धमकी दिए हैं कि विकास भवन का घेराव करेंगे हम लोग। उसी उपलक्ष में आज हम लोग जिलाधिकारी महोदय से एवं पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की। किसने धमकी दी है आपको? सचिव महोदय ने।
सचिव महोदय ने धमकी दिया है कि अगर आप अपनी केस वापस नहीं लेंगे SC ST का जो है दिखा करके आप लोगों को हम फंसा देंगे। तब जांच चल रही है और जांच अभी रुकी हुई है, कोई अभिलेख उनसे मिल ही नहीं पा रहा है, इसलिए जांच में बाधा आ रही है, जांच हो ही नहीं पा रही है। इसलिए जिला महोदय अधिकारी से आज हम लोग मिल करके उनसे कहा गया कि जांच जल्द से जल्द कराया जाए और सचिव महोदय को बताया जाए। धन्यवाद।